हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, हाउ बिग हाउ हैवी। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किसे कहा जाता है। फिर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये दो टॉपिक्स के ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, ईच क्वांटिटी वेदर अ सॉलिड लिक्विड और गैस ऑक्यूपाइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस एंड द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड या गैस हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है वो क्या करती है, एक स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, ठीक है। वही स्पेस वो जो ऑक्यूपाई करती है उसे क्या कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम को कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, क्यूबिक यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है उसे उसका मतलब क्या होता है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिफाइंस द नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट्स ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब कम्प्लीटली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है कि जो एक क्यूब होता है उसने कितने क्यूबिट, वो कितने क्यूबिक यूनिट्स ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। उस क्यूबिक यूनिट को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दी गई है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें क्या, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। नीचे मैंने एक फिगर बनाई हुई है जो कि एक क्यूब की फिगर है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, क्यूब, ठीक है। क्यूब का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जब हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो हम डाइस यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग्स होते हैं, ठीक है, डॉट्स दिए गए होते हैं। एक साइड 1 होता है, एक साइड 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है क्यूब का, ठीक है। अब जो हमको सामने दिख रहा है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है, ठीक है। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर 3 फेसेस मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर 2 फेसेस मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो द एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग द साइड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का जिसकी साइड्स क्या है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज़ गिवन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो हमें साइड क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। सो अब आपको क्या करना है, ये तीनों 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 7 7 = 49 और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 343। सो ठीक है, हमने आगे क्या देखा था कि वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, क्यूबिक यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सो 343 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक क्यूब जो हमको दिया गया था जिसकी साइड्स 7 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम क्या है, 343 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 17 mm, ठीक है, मिलीमीटर्स, राइट। सी लेंथ ऑफ द साइड हमें क्या दी गई है, 17 mm, ठीक है। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की फॉर्मूला क्या थी, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें क्या दी गई है, 17 mm, ओके। सो 17 mm मल्टीप्लाई बाय 17 mm मल्टीप्लाई बाय 17 mm। जब आप 17 को 3 times मल्टीप्लाई करोगे, वॉट यू विल गेट, यू विल गेट 4913 क्यूबिक मिलीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 27 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, क्यूब ही दिया गया है जिसकी साइड दी गई है 27 मीटर्स, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सो द लेंथ ऑफ द साइड्स इज गिवन 27 मीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की फॉर्मूला क्या थी, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। सो साइड क्या है हमारी, 27 मीटर्स। सो 27 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 27 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 27
मीटर्स। जब आप 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 19,683। ठीक है, अब क्यूबिक यूनिट्स में हमें दिखाना होता है वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे हमारा यूनिट क्या है, मीटर्स। सो द आंसर विल बी 19,683 क्यूबिक मीटर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 71 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की फॉर्मूला लगा देनी है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, और 71 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, सो वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।